नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक? सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, विच इज द चैप्टर नंबर 7 इन द न्यू बुक एंड चैप्टर नंबर 8 इन द ओल्ड बुक. ओके, तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जैसे आपने देख रखा है, मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको रिएक्शन सॉल्व करनी है. बहुत जल्दी से रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो. ओके, अब इसके अंदर भी ना बच्चा पार्टी, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक आता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और एक आता है रिएक्शन इन द एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम. आज हम करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, ठीक है. छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से कवर अप हो जाए और आपका एक कंटेंट रेडी हो जाए, ठीक है. तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट वन आज का जो रहेगा वो रहेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अब इस नॉर्मल रिएक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होंगे और हम लोग साथ साथ में ट्रिक देख लेते हैं. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन. ओके, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो इतना बच्चे फैमिलियर हो नहीं पाते हैं उनकी लैंग्वेज से, उनके मैसेज जो भी वो कन्वे करना चाहते हैं थ्रू दैट लैंग्वेज. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ईजी से ईजी तरीका बताऊँ और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ. ओके, रिएक्शन लिखने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक ट्रिक दिमाग में बिठा दीजिए. ट्रिक क्या है? OACOH. ओके, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो. ओए अनिल, चल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास, ठीक है. तो क्या लिखोगे आप इसमें? ओए अनिल, चल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास. लर्न हो गया, इजी, ठीक है. तो यहां पे ओए अनिल, चल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास. अब इसका रूल क्या कहता है? ओए, ओ ओ इसका मतलब कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है बच्चा? ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लिख देनी है, ठीक है. उसके बाद उसके बाद आपको उसके अंदर पहचानना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज रिडक्शन स्टेट, ठीक है. ये हमें यहाँ पे पहचान देना है, मतलब रिएक्शन कौन सा है. फिर आपको इसके अंदर एटम को बैलेंस करना होगा. क्या करना होगा? एटम को बैलेंस करना होगा. फिर आपको इसमें टोटल चेंज देखना होगा. क्या देखना होगा? टोटल चेंज. ओके, फिर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा. बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है. ये स्टेप आप फॉलो करोगे, आपका इजी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. तो ओए अनिल, चल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास. ओ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब स्टेट मतलब आप बताओगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है. फिर आपका आएगा उसके बाद एटम को बैलेंस करना है, फिर टोटल चेंज देखना है, फिर हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को. तो चलो कोई टाइम वेस्ट करते, पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लें ताकि आपको समझ में आए कि ये रूल फॉलो कैसे करना है, ठीक है. मैं नहीं चाह रही कि आप अभी भी ऐसे भ्रम में रहने लग, समझ नहीं आ रहा मैम क्या है. चलो चलो एक फटाफट से क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग. सो बच्चों, हमने क्वेश्चन लिख दिया. ओके, अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वो जो मैंने आपको रूल बताया, ओए अनिल चल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास, उसके पहले एक सिर्फ चीज करनी है, वो ये करनी है कि आपको इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ठीक है. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है इन सबका. चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे पी है, ठीक है, अभी पी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये एलिमेंटल लेवल पे है, तो जीरो हो गया. ओके, अब एच एन ओ थ्री देखते मैं क्या करूँ. एच एन ओ थ्री, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो माइनस टू ही होता है, ठीक है, समझना क्या है. अब इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा? ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कि इक्वल टू में हम जीरो लिखेंगे. पॉइंट समझो, ओ की माइनस टू होती ही है, होती पता है, तो O कितने हैं यहाँ पे? टोटल तीन, तो माइनस टू इंटू थ्री कितना हो गया? माइनस सिक्स. अब आप सोचो आपको H और N दोनों नहीं पता. अभी के लिए अपन समझ के थे H और N को भी नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जीरो आना है तो यहाँ पे प्लस सिक्स होना चाहिए, ठीक है.
ओके, अब हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस वन होता है। कुछ रूल्स हैं वो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, मैंने पूरा बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके कुछ कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, तो उतना आपको लर्न ही करने हैं। तो हाइड्रोजन का प्लस वन होता ही है, तो अब अगर हाइड्रोजन का प्लस वन होगा तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो, अच्छे से सुन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको बताने में दोबारा, ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपसे क्या कहा बच्चा, मैंने आपसे क्या कहा आपको कि HNO3 का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब कि इक्वल टू में अपन जीरो लिखेंगे। चलो भाई इक्वल टू में जीरो लिख दिया, थोड़ा सा मैथ्स लगा देते हैं। अब इसके अंदर ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का 99% हम लोग माइनस टू भी लेते हैं। अब ऐसे कितने ऑक्सीजन है भैया, तीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, -6। चलो भाई -6, ओके। अब अगर O माइनस में है, इसका मतलब कि H और N पॉजिटिव में होंगे, इतना क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव में हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, ठीक है, नेगेटिव में -1, पॉजिटिव में +1, तो हाइड्रोजन का होता है +1। चलो ये +1 हो गया, तो अभी आप सोचो अगर हमें यहाँ पे जीरो चाहिए, ठीक है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +1 है, कितना बचेगा यहाँ पे 5, तो 5 + 1 = 6, और ये -6 जीरो हो जाएगा, तो 5 मतलब किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है, नाइट्रोजन का +5 और ऑक्सीजन का -2, क्लियर हो गया अच्छे से। चलो अब HPO3 वाला भी कर लेते हैं, मैं इसको रिमूव कर दूं, ओके, चलिए अब कर लेते हैं HPO3 वाला, HPO3। अब यहाँ पर भी कोई ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जीरो लगा दिया इक्वल टू में, O का कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा -6, पी मुझे नहीं पता, हाइड्रोजन मुझे पता है 1 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ओके, इक्वल टू 0, तो पी, ओके, 1 - 6 - 5 = 0, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, +5। देखा आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी इजी। तो हाइड्रोजन हुआ +1, पी हो गया +5 और ओ हो गया -2, चलो खूब भालो। अब बात करते हैं हम लोग NO की, NO के ऊपर कोई पावर नहीं है, जीरो। अच्छा, अब ऑक्सीजन का होता है -2, तो अगर मुझे इक्वल टू में जीरो चाहिए, मतलब कि यहाँ पर मुझे इसको 2 के साथ प्लस करना होगा, तो +2 - 2 जीरो, मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2 और इसका हो गया -2, ओके। चलो H2O की बात करते हैं हम लोग, इक्वल टू जीरो, ओ कितना है बच्चा, -2, तो क्या होना चाहिए, अच्छा अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, मतलब कि 2 - 2, अच्छा नॉर्मली पता है हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो +1 होगा, ये -2 होगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चा जी, अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स सारे के सारे लिख दिए। चलो मैं इसको पूरा हटा दूं, ओके, नाउ ऑक्सीजन स्टेट होने के बाद अब आपका रूल स्टार्ट होता है, ओके। ओए अनिल चल, ओए ओए इसका मतलब कि अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पे हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन कहां पे हो रहा है। चलो उसके लिए एक और मैं आपको रूल बता देती हूं, वो रूल ऐसा है बेटा, समझो अपन की नंबर लाइन 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ओके, नंबर लाइन होती है ना, -1 - 2 - 3 - 4 - 5, ठीक है। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा बच्चा जी, ऑक्सीडेशन, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हो तो क्या होगा बच्चा जी, रिडक्शन। बहुत सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार यहाँ पे कितना वो कितना ले रहा है कितना छोड़ रहा है, वो अपन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो रिडक्शन करोगे, रिड्यूस होंगे, जब आप राइट साइड की तरफ आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इतना क्लियर हुआ। चलो अब इसको हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं यहां से, चलिए फाइन बच्चों। तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ओए का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। अब देखो किस किस में चेंज आपको दिख रहा है, पी यहाँ पे जीरो है, ठीक है, पी आपको वहां पे जीरो दिखा, एक सेकंड, पी आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा है, यहाँ पे पी क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है ना, +5, इसका मतलब कि पी में चेंज दिख रहा है अपने को, जीरो से +5, मतलब कि जीरो से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो राइट साइड की तरफ क्या होगा, यस एग्जैक्टली, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो
अब दूसरा चेंज आपको कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ माइनस टू है, यहाँ माइनस टू है, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन देख लो बच्चा, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे टू है, मतलब ये चेंज आया, क्योंकि जो चेंज नजर आएगा वहीं पे तो रिएक्शन हुआ ना, जिसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया, अब प्लस फाइव से प्लस टू, प्लस प्लस तो है बट फाइव से पीछे की तरफ आया, पीछे की तरफ आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब रिडक्शन रिएक्शन। चलो तो अभी हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा ओए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में देख लिया। अब क्या बोल रहा है, एटम बैलेंस करो। चलो देखते कोई है ऐसा एटम जो दोबारा में बैलेंस करना हो। अब इसको मैं एक बार दोबारा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, वरना पूरा हॉचपॉच हो जाएगा। सो पी प्लस एच एन ओ थ्री गिव्स एच पी ओ थ्री प्लस एन ओ प्लस एच टू। ओके चलो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर ऐसा कोई है जहाँ पे चेंज है, यहाँ पे पी एक ही है, यहाँ पे पी एक है, ठीक है, एच एक है, यहाँ पे दो, ओके ऐसा तो कुछ करना है नहीं अभी अपने को, एन एन ओके यहाँ पे थ्री, ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या ना कि अगर आपको एक ही यहाँ पे अगर टू दिखता हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होता, पीछे कुछ नहीं होता तो अपन कर लेते, बट अभी ऐसा कुछ एटम का चेंज नहीं करना हम लोगों को। ओके तो अब ओए अनिल क्लियर हो गया। अब चल, चल मतलब कि टोटल चेंज देखना है। टोटल चेंज क्या देखना है, जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था उसके अंदर अपने को चेंज देखना है। जैसे देखोगे बच्चा, देखो यहाँ पर ये पी जो है बेटा, ये पी जो यहां से लेकर यहाँ पे गया था, ठीक है, इस टाइम पे पी का साइन है प्लस फाइव, यहाँ पे है जीरो, ठीक है, तो जीरो से प्लस फाइव और पी एक एक ही है, तो कितना चेंज दिख रहा है, पांच का चेंज दिख रहा है। सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चा, फाइव है। चलो दूसरा, अपन को यहाँ पे एन प्लस फाइव नजर आया, यहाँ पे प्लस टू नजर आया, ठीक है, तो फिर से यहाँ से लेकर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कितना चेंज है, तीन और दो में डिफरेंस कितना आ रहा है, तीन का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आया, थ्री चेंज आया। चलो इतना क्लियर हो गया, शाबाश। अब देख लेते क्या है ऊपर अपना, ओए क्लियर हो गया, अनिल क्लियर हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब इस चेंज के बाद हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर है ना बेटा, इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, इनको बैलेंस करना होगा। अब इन शॉर्ट, थोड़ा मैथ्स की बात कर रही हूँ, इनका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, अब थ्री और फाइव का एलसीएम फिफ्टीन होगा, तो मैं यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, और इसको दोबारा से नीचे लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए सो फिर से मैंने नीचे लिख दिया इसको, पी प्लस एच एन ओ थ्री गिव्स एच पी ओ थ्री प्लस एन ओ प्लस एच टू ओ, ठीक है। चलिए सो पहले अभी हम लोग देख लेते हैं भैया जी क्या चेंज है। अब चेंज हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और एन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है भैया जी, फाइव से, तो मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जो भी करना होगा अपन को लेफ्ट साइड में करना होगा और फिर हम राइट साइड में उसको बैलेंस करते जाएंगे। चलिए अब देख लेते बैलेंसिंग क्या है। यहाँ पे पी कितना हो गया, तीन, यहाँ पे कितना है, एक, तो आगे थ्री लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, फाइव, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री यहाँ पे और दो यहाँ पे, पांच क्लियर है। ओके यहाँ पे पी थ्री है, यहाँ पे पी थ्री हो गया। चलो ओ एन की बात करते हैं, यहाँ पे एन कितना है, फाइव, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे फाइव लगा दे, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग बेटा जी, ऑक्सीजन कितने हो जा रहे हैं, यहाँ पे हो जा रहा है फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये थ्री है और ये फाइव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, फिफ्टीन, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइन है, यहाँ पे ऑक्सीजन फाइव है और यहाँ पे ऑक्सीजन वन है। ओके तो नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, बैलेंस। चलो तो बेसिकली हमारा पूरा हो गया, हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बैलेंस करके आ गए। तो एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका लिख दें तो क्या क्या हो जाएगा, 3p प्लस 5HNO3 गिव्स 3HPO3
प्लस 5NO प्लस H2O, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। कैसा लगा बच्चों? टेंशन मत लो, एक और एग्जांपल करते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट हुआ तो उन एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। सो बच्चा ये रहा आपके पास इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चलिए लिख देते हैं हम लोग। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग CuO की, मैं एक बार नीचे लिख दूं ताकि क्वेश्चन आपके पास बना रहे एज इट इज, क्योंकि क्वेश्चन में फिर अगर चेंजेस कर लेंगे तो आपको आगे देखना हो तो आप नहीं देख पाओगे ना इसके लिए। चलिए तो पहले शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर में अब सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग CuO, ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो जीरो। ठीक है, अब O कितना होता है भैया? माइनस टू, क्लियर है। अब जीरो लाने के लिए क्या करना होगा आपको? प्लस टू लाना होगा, मतलब कि Cu प्लस टू हो गया और ये माइनस टू हो गया। चलो वेल एंड गुड। चलो बेटा तो अभी देखते हैं हम लोग अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया इक्वल टू जीरो के पावर नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? तीन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? प्लस वन वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, तो ये हो गया हमारा प्लस थ्री और हमें जीरो चाहिए। तो आप सोचो कि नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? माइनस थ्री होगा तभी तो जीरो आएगा ना। तो एन हो गया माइनस थ्री और ये हो गया प्लस वन। प्लस थ्री मत लिखना, एक हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, तीन थे इसके लिए हमने प्लस थ्री लिखा यहाँ पर। सी यू एलिमेंटल फॉर्म में है जीरो, एन टू एलिमेंटल फॉर्म में है जीरो, वाटर का आपको याद हो ही जाना चाहिए प्लस वन और माइनस टू। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर लिया। अब आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने लिख दिया, अब याद करो रूल ओए चल ओए ओए, मतलब कि अभी हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट बताना है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस किस ने किया है वो बताना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे बेटा, देखो बैलेंस किस में आ रहा है, मतलब ये है कि चेंज किस में आ रहा है आपको वो देखना है। इसको हटा दिया मैंने। ओके, अब देखो नाइट कॉपर जो है वो प्लस टू से, कॉपर जो है वो प्लस टू से प्लस जीरो की तरफ जा रहा है, प्लस टू से प्लस जीरो, आई मीन जीरो। ठीक है, तो पीछे की तरफ आया, पीछे की तरफ आया मतलब इसको क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ओके, और किसमें चेंज नजर आ रहा है? देखो ओ माइनस टू है, यहाँ पे ओ माइनस टू कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन प्लस वन है कोई चेंज नहीं, नाइट्रोजन में चेंज आ रहा है आपको, नाइट्रोजन में आ रहा है बेटा माइनस थ्री से जीरो, मतलब नेगेटिव नंबर लाइन से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, डन। तो अभी हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, जहां पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिया और रिएक्शन भी बता दिए, ओए कंप्लीट। ठीक है, अब आता है ओए अनिल। अब अनिल में अपने को यहाँ पे देखना है एटम, क्योंकि कोई एटम बैलेंस करना है कि नहीं करना है, तो चलो आओ देख लेते हैं हम लोग। अब अगर आप देखो बेटा जी, यहाँ पे सी एक है, यहाँ पे भी सी एक है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे कितने हैं? नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे कितना है? एक है, तो आगे क्या लगा दूंगी मैं? टू लगा दूंगी। ठीक है, इसके पहले वाले में नहीं करना था, मैंने कहा था एक एक अब प्रेजेंट हो तो, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है यहाँ पे दो है, तो मैं ये नहीं करने वाली। ठीक है, हाइड्रोजन को वैसे भी अपन लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो हम लोग एलिमेंट्स जो होंगे ना हमारे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। तो ओए अनिल चल, चल मतलब कि अभी आप चेंज देखोगे, किस पे चेंज देखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे कितना कितना चेंज आ रहा है। पहले मैं इसको दोबारा लिख दूं ताकि अभी हम इसको अच्छे से और समझ पाए। तो CuO प्लस 2NH3 गिव्स Cu प्लस नाइट्रोजन N2 प्लस H2O। चलो खूब, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या करना है बेटा? यहां पर प्लस टू है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो प्लस टू से जीरो में टोटल चेंज कितना आ रहा है बेटा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर CON, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? दो का डिफरेंस आ रहा है। चलो खूब अच्छा है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन N का था, N यहाँ पे क्या था बेटा जी? N यहाँ पे हमें था माइनस थ्री और यहाँ पे क्या है बेटा जी? ओ जीरो। तो अब यहां से लेकर यहां पे जाएंगे हम लोग, तो कितना चेंज दिख रहा है? जीरो और थ्री में डिफरेंस कितना है? थ्री का डिफरेंस है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बच्चा जी? थ्री आया। ओके, चलो अब क्या करेंगे बेटा जी? अब हम करेंगे यहां पर बैलेंस।
किसको बैलेंस करेंगे, जो चेंज नंबर आया वो, मतलब कि हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करूँ मैं भाई, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। ओके, तो अब इसको करेंगे हम बैलेंस, किस किस को बैलेंस, जो जहां जहां पे मल्टीप्लाई किया वहां पे बैलेंस करते जाएंगे। तो इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, सी यू ओ प्लस 2NH3 गिव सी यू प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, चलो अब हमने कहाँ पे क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिखा, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूंगी और यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 2। ठीक है, तो बेसिकली चेंज कितना आया है, 2 का चेंज आया है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया। अब आपको क्या बोलना है, क्या था वो, ओए अनिल चल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास। तो अभी हम लोगों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक बार बैलेंस करके चेक कर लेना है क्या है। चलो बच्चा जी, तो चेक कर लेते हैं हम लोग भैया, तो शुरू से पूरा करते हैं। कॉपर 3, कॉपर 3, बहुत खूब। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर 3 है ना, वो कितना है 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1, तो आगे 3 मल्टीप्लाई कर लिया, चलो क्लियर हो गया। यहाँ पर N कितना है, 2, यहाँ पर भी 2 क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो चलो तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो फाइनल हमारी इक्वेशन, ठीक है, सब बैलेंसिंग होने के बाद बन गई CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, सिंपल। ठीक लगा बेटा, समझ आया। एक और एग्जांपल कर ले, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना आपकी टेक्स्ट बुक्स में से। सो बच्चा जी, आपके सामने आ गया ये वाला 3rd क्वेश्चन। चलो देखते हैं अभी क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ओके, तो चलो पहले इस इक्वेशन को नीचे की तरफ उतार दें ताकि आपका क्वेश्चन बरकरार रहे बिना कोई चेंजेस के। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। चलिए जी, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम लोग। ओके, अब देखते हैं हम लोग MnO2 में, MnO2 में इक्वल टू 0, इतना तो क्लियर है। O कितना होता है बेटा, -2, तो यहाँ पे 2O है और ऐसे -2, तो कितना हो गया, -4। अब आप सोचो हमें 0 चाहिए, तो Mn कितना होना चाहिए, +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 हो गया या -2 हो गया। HCl +1 -1, ठीक है, इतना तो याद रहता ही है। ओके, Mn यहाँ पे MnCl2 फिर से देख लेते हैं, इक्वल टू 0। Mn +2 Cl, Cl का -1 होता है, तो Mn -2, तो कितना होना चाहिए, Mn 2 होना चाहिए, तो ये हो गया +2, ये हो गया -2। यहाँ पे Cl क्या है बेटा, 0, ये होता है +1 और ये होता है -2। चलो जी, तो हम लोगों ने लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे, बहुत जल्दी जल्दी से इस बार काम हो गया नहीं अपना। ओके, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करना है, चलो रूल स्टार्ट करो। ओए अनिल ओए, ओए मतलब कि भी आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कर रहा है और रिडक्शन रिएक्शन कौन कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, Mn में चेंज दिख रहा है बच्चा जी, जी हाँ Mn में चेंज दिखा हम लोगों को। ओके, +2 +4 से +2 की तरफ जा रहा है, ये +2 मतलब कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ओके सॉरी बेटा जी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा -1। ओके -1 क्यों, अरे देखिए बेसिकली MnCl2 0, ठीक है, Mn प्लस क्या हो जाएगा, Cl कितने हैं, 2 हैं, तो Cl -1 लिखना है, मैंने गलती से -2 लिख दिया था। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, चलो इसको हटा देती हूँ मैं अभी। ओके, चलो शुरू करते हैं आगे हम लोग हमारा काम। तो बेसिकली Cl यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ पे हम जा रहे हैं -1 से 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि इस तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो ओए अनिल चल, ओए क्लियर अनिल। अब अनिल में अपने को क्या क्या करना है बेटा, अब अनिल में अपने को करना है बैलेंसिंग द एटम। ठीक है, अब एटम एक तो यहाँ पे Mn है, यहाँ पे Mn एक ही है। ओके, Cl यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए आगे क्या लगा देना है बेटा, मेरे को 2 लगा देना है। चलो
तो आगे मैनू क्या लगा देना, टू लगा देना, जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे वहीं पे बैलेंस करना है, ठीक है। अब ये वाला सीएल मत देख लेना भैया, वो नहीं देखना अपने को। चलिए तो अब एक बार इसको इक्वेशन को दोबारा से मैं लिख देती हूँ, एम एन ओ टू प्लस टू एच सी एल गिव्स एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस एच टू। चलो अब ओए क्लियर हो गया, अनिल एटम का बैलेंसिंग क्लियर हो गया। अब क्या करना है, चेंज, ओके ओए अनिल चल चल, मतलब कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की तरफ मैं जाऊं बेटा, तो ये मेरा प्लस फोर है और ये मेरा प्लस टू है, कितना चेंज नजर आ रहा है, ओके चेंज कितना नजर आ रहा है आपको, दो का चेंज नजर आ रहा है, टू लिख दिया। ओके यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कितना नजर आ रहा है बेटा, वन का नजर आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज कितना हो गया, वन का चेंज हो गया। एलसीएम देख लेते हैं अभी, एलसीएम देखने का मतलब ये है कि अब देखो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मतलब आपस में एक्सचेंज करके एलसीएम लेना होता है। ओके अब करते हैं हम लोग, अब अच्छा जी यहाँ पे टू है तो टू मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टू का क्या बन जाएगा बच्चा जी, फोर बन जाएगा, ठीक है फोर बन जाएगा। तो चलो अब एक बार दोबारा नीचे लिख देते हैं हम लोग, एम एन ओ टू प्लस यहाँ पे क्या लिख दूंगी, फोर एच सी एल गिव्स एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस एच टू, ठीक है बच्चा जी। चलो देखो भाई अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं, अभी क्या, अभी देखो आपका रूल क्या कहता है, ओए अनिल चल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। अब ओए अनिल चल तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, तो शुरुआत से सब देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। MN एक एक है बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन पहले क्लोरीन देख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं चार, यहाँ पे भी दो प्लस दो चार, चलो ये क्लियर है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा जी, चार, यहाँ पे कितने हैं दो, तो मैं यहाँ पे दो मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है जगह कम हो गई, तो टू टू जा फोर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो बच्चा जी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है टू, ओके ऐसा हुआ 2H2O, तो ऑक्सीजन कितने हैं दो, यहाँ पे भी कितने हैं दो, बैलेंस कंप्लीट। तो फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, ओके फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारा हो गया MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। डन। सो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है, वो अगर आपको रूल क्लियर हो गया ना, ओए अनिल चल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, तो बस आप समझ सकते हैं कि आप जब इसको बोल बोल के तीन चार बार भी करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या गूगल में, ठीक है, दो तीन और क्वेश्चन देखिए और इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आपके सॉल्यूशन फटाफट से आ ही जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको इजी तरीके से बता दूँ और ट्रिक के तो समझा था कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। और भी कुछ हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे, और कुछ आपको सीखना हो तो अभी इसका एसिडिक बेसिक मीडियम और टाइप टू वाला जो है वो मुझे सिखाना है, तो मैं उसके वीडियो लगातार डालती रहूंगी। एंड इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी हो तो डू कमेंट भी, हम मिलेंगे और हम एक नया नया लेक्चर लिखते हुए आएंगे आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए। बट टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।